कैसे हैं आप साहब? आप सभी के लिए आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को अपने अपने स्कूल से पता चला होगा, जानकारी मिली होगी कि सीबीएसई बोर्ड ने बोर्ड के प्रैक्टिकल्स के लिए डेट डिक्लेयर कर दिया और जनवरी मंथ में आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल्स होने हैं। तो इसी चीज के लिए आपको अपने बोर्ड के प्रैक्टिकल्स में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको प्रैक्टिकल फाइल्स भी बनानी है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक आईटी क्लास 10 जिसका सब्जेक्ट कोड है 402 उसकी प्रैक्टिकल फाइल को नहीं बनाया है, या उनको प्रैक्टिकल फाइल को नहीं बना पा रहे हैं, या उन्हें आईटी की प्रैक्टिकल फाइल को बनाने में प्रॉब्लम्स आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उनके लिए आज मैं एक समाधान लेकर के आया हूँ। और ये अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका सब्जेक्ट कोड है 402 उसकी प्रैक्टिकल फाइल आपको बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए कैसे बनानी है, और ऐसी फाइल बनाने के बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से फाइल आपको बनाने के बाद आपको प्रैक्टिकल्स में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं कि किस टाइप से आपको फाइल बनानी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको कवर पेज बनाना है। कवर पेज पे आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, सबसे पहले आपका स्कूल का नाम आएगा, नेम ऑफ स्कूल विद लोगो, आपके स्कूल का लोगो, अपने स्कूल का लोगो लगा सकते हैं आप। इसके बाद आप अफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली लिखें क्योंकि आपका जो स्कूल है वो सीबीएसई बोर्ड से अफिलिएटेड है। उसके बाद आपको लिखना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402, ये आपको कंपल्सरी प्रैक्टिकल फाइल लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो लिखना है सबमिटेड बाय में आपकी डिटेल्स आएंगी, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, और यहाँ पे आपका बोर्ड का रोल नंबर आएगा। तो स्टूडेंट अभी आपको बोर्ड का रोल नंबर नहीं दिया गया तो आपको यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखना है, ब्लैंक छोड़ देंगे। और यहाँ पे सबमिटेड और मैं आपके टीचर्स की डिटेल आएंगे, आपका जो टीचर का नेम है आप वो लिखेंगे, उसके बाद टीचर यहाँ पे सिग्नेचर करेगा और रिमार्क्स आपको देगा। तो स्टूडेंट ये आपका कवर पेज रहेगा, और कवर पेज के बाद आपको सेकंड पेज जाएगा सर्टिफिकेट का। सर्टिफिकेट पेज में भी कोई चेंजेस नहीं करना है, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे वीडियो में बताया है इसी तरीके से आपको जो है सर्टिफिकेट पेज अपना बनाना है। यहाँ पे आप सबमिटेड बाय में अपनी डिटेल्स लिखेंगे और सबमिटेड टू में टीचर डिटेल्स लिखेंगे। तो उसके बाद थर्ड पेज आपका रहेगा एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट पेज में भी आपका फील्ड होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना होता। तो स्टूडेंट्स मैं अब आपको बता दूं कि आपको जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की जो प्रैक्टिकल फाइल है क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उसमें आपको प्रैक्टिकल में 3 टॉपिक्स कवर करने होते हैं। पहला डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, एंड थर्ड इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। तो एक्नॉलेजमेंट तक आपके पेजेस को मेंटेन करने के बाद आपको एक पेज बनाना है इंडेक्स का, और इंडेक्स का पेज में आप वो सभी टॉपिक्स वो सभी हेडिंग्स लिखेंगे जो आप अपने फाइल में यूज करेंगे, जिन आइटम्स के बारे में अपनी फाइल में आप डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आपको ये फाइल हैंड रिटन बनानी है, हाथ से लिखनी है, कंप्यूटर से टाइप करके नहीं बनानी है, ठीक है? और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स और आपके क्लासमेट्स को भी प्रैक्टिकल फाइल बनाने का लाभ मिल सके और वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं, अब आपको इस प्रैक्टिकल फाइल आईटी में आपको किन किन टॉपिक्स को कवर करना है और कैसे कैसे आपको फाइल बनानी है, मैंने आपको पूरे सैंपल्स आपको यहाँ पे कंटेंट भी आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए सबसे पहले ये जो टॉपिक्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये आपके हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के। तो स्टूडेंट्स आपको इनको लिखना है, जैसे स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट हो गया आपका यहाँ पर, फिर उसके बाद आपका इंसर्टिंग इमेज ग्राफिक्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, एंड जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है जैसे आपका ड्राइंग ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आप इसमें क्या करेंगे, अगर आप इस हेडिंग को लिखते हैं तो 3-4 लाइन आप इसमें से लिख देंगे हर एक हेडिंग में से, ठीक है? पूरा कंप्लीट पैराग्राफ आपको ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है? इस तरीके से आपको करना होगा। इसके बाद आपका मॉडिफाइंग, रिसाइज, क्रॉपिंग, डिलीटिंग इमेज और ड्राइंग ऑब्जेक्ट के बारे में आपको लिखना है, दो दो तीन तीन लाइन सभी हेडिंग्स के आप बनाकर लिखेंगे। और यहाँ पे आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेल में। तो स्टूडेंट्स जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पर आप फाइल बना रहे हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का टॉपिक के बारे में अगर आप फाइल में लिख रहे हैं तो आप मेल मर्ज के टॉपिक को लिखना ना भूलें। तो मेल मर्ज का ये पूरा कंपोनेंट्स ऑफ मेल मर्ज आ गया, मेल मर्ज की डिटेल्स आ गई, और
उसके बाद सिनेरियो एनालिसिस आपके एक्सेल स्प्रेडशीट के कंसेप्ट आ जाते हैं, जिसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा आपको जो लिखना ही लिखना होता है वो आता है कंसोलिडेटिंग डेटा, कैलकुलेटिंग सब टोटल्स, और उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस टूल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें आपके तीन टूल्स हैं, जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया व्हाट इफ सिनेरियोस, गोल सीट एंड इट इज अ सॉल्वर टूल। ऑल दीज टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थ्योरी एग्जाम्स ऑल्सो, एंड यू नीड टू राइट all the tools in a practical file of IT to get the marks, full marks in the board practical examination of information technology whose subject code is 402। तो स्टूडेंट्स ऐसे आप अपने प्रैक्टिकल फाइल को आसानी से बना सकते हैं। तो इसके बाद आपके दो टॉपिक मैंने अभी आपको यहाँ पे बताए हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अब थर्ड टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आपका डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। तो सबसे पहले आपको उसमें क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, ये सभी आपके एडवांटेजेस हैं। आपको पांच एडवांटेजेस यहाँ पे दिए गए हैं, आप कोई भी चार या पांच एडवांटेज की 2 या 3 लाइन से आप पॉइंट्स में आप डिस्कशन कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपका टेबल से आपको टेबल को पूरा डिस्क्राइब करना है, आप इसको फोटो भी लगा सकते हैं या कटिंग करके चिपका सकते हैं, फिर टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। इस टेबल को तो ड्रॉ करना आसान है, इस टेबल को आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ टेबल, एंड ऑल दीज कंपोनेंट्स आर नेसेसरी टू इंक्लूड इन द प्रैक्टिकल फाइल ऑफ द आईटी, एंड आफ्टर दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द डेटाबेस विच इज नोन एज द कीज इन द टेबल। टेबल में कीज होती है, जैसे आपकी प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, ऑल दीज कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू ऑल्सो नीड टू राइट दिस इन द आईटी प्रैक्टिकल फाइल इफ यू प्रिपेयर द प्रैक्टिकल फाइल एज द बेस्ट फाइल फॉर द बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन टू गेट द फुल मार्क्स इन द बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हू सब्जेक्ट कोड इज 402। And next is the topic relationships in tables and the types of relationship. You need to describe all these types of relationships, that is 1-to-1, 1-to-many and many-to-many relationships with the help of examples. And all that, these are the SQL queries. So you need to maintain the queries. And after that, all these queries, and the last query is the dropping a table, means delete a table from the database by using the SQL query. So students, ये आपके तीन topics हैं, digital documentation, electronic spreadsheet and database management system, जिसका use करके आपको अपनी information technology, जिसका subject code है 402, उसकी 2022-23 session के लिए आपको board की practical file बनानी है। और मैं आपको बता चुका हूँ, बोर्ड ने घोषणा कर दिया कि जनवरी मंथ में आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल दिए जाएंगे, तो इस चीज के लिए आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिकल फाइल के जो मार्क्स आपके होते हैं वो अप्रोक्सीमेट 20 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिकल फाइल अपनी आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसे लगी और प्रैक्टिकल फाइल को प्रिपेयर करने में आपने इस वीडियो से कितना एडवांटेज लिया, कितना एडवांटेज आपको मिला, प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी फायदा हो सके, वो भी अपनी प्रैक्टिकल फाइल को आसानी से बना सकें और एग्जाम में फुल मार्क्स प्राप्त कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।